सोलनेसी फैमिली सोलनेसी सोलन एक जगह है हिमाचल में yes, है ना तो सोलन एक ब्यूटीफुल सी प्लेस है yes, वहां पर हस्बैंड वाइफ चलो निखिल बताओ निखिल आओ इसके एग्जाम्पल याद कराओ आके अब सोलन हिमाचल में एक जगह है सोलन वहां पे हस्बैंड और वाइफ रहते हैं वाइफ का नाम है बेला डोना और वाइफ का नाम है हस्बैंड का नाम सॉरी अश्वगंध अब बैला डोना क्या करती है सब्जी बनाती है किसकी पोटैटो की टोमेटो की टमाटो भी मिक्स कर देती है उसमें और साथ में थोड़ी ब्रिंजल भी ऐड कर देती है भाई टेस्टी खाना बन जाए अब बच्चे चिल्ली ऐड कर दी बड़ी ज़्यादा तो इसने क्या कर दी चिल्ली ऐड कर दी मिर्च डाल ऐड कर दी अब अश्वगंधा ये खाता है बड़ा टम्बैको ठीक है टम्बैको हाँ जी चिल्ली डाल लगती है और जब इसने खाया जो चिल्ली लगी और इसने अपनी पत्नी को पीट डाला तो बन गया पेटी पेटी ठीक है जिना ये सोलन में प्लेस है हस्बैंड वाइफ बेलाडोना ये दोनों सब्जिया चिली, चिली ज्यादा कर दी तो पीट दिया अश्वगंधा ने दैट इज पेटिया उसको चिली लग भी ज्यादा रही थी क्योंकि वो टोबैको खाता उसका मुंह पूरा खराब है वेरी गुड निखिल शाबाश थैंक यू सो मच ये सभी हैं सोलनेसी फैमिली के एग्जांपल्स। इनमें से एक प्लांट को हम देखने गार्डन में चलेंगे है आप सब देख सकते हो ब्रिंजल लगा हुआ होगा कहीं पर आज 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 मैं ये देखो कितने सारे ब्रिंजल्स लगे हैं यहाँ पर ये ब्रिंजल प्लांट है जो कि सोलनेसी फैमिली में आता है हम सोलनेसी फैमिली को स्टडी करेंगे तो आप जनरल देखो प्लांट कैसा है ये हर्ब है कि ट्री है कि श्रब है, श्रब है। श्रब। तो यूजुअली ये प्लांट्स हर्बेशियस या श्रब्स होते हैं ट्रीज़ बहुत कम होते हैं क्योंकि ये हर्ब्स होते हैं तो इनका स्टेम हर्बेशियस होता है ये रेयरली वुडी है ये एरियल है हवा में ऊपर रहता है अंडरग्राउंड ये पोटैटो के केस में होता है इसका स्टेम सिलेंड्रिकल है ब्रांच्ड है सॉलिड है और इसकी लीव्स ऑल्टरनेट हैं सिंपल हैं रेयरली ये कंपाउंड लीव्स होती हैं और स्टिप्यूल इनमें नहीं होता है इनका वेनेशन होता है रेटिकुलेट अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं हम फ्लावर के कैरेक्टर देखेंगे तो देखो फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों चीज है ये बाइसेक्शुअल फ्लावर है देख लो यहाँ पर ये बायसेक्शुअल फ्लावर है

नहीं नहीं ये गेमो है देखो यहाँ पे, पे देखो यहाँ पे देखो बेस तो से लेके पूरा ऊपर तक जुड़ा हुआ है ये गेमो से प्लस की कंडीशन है कंफ्यूज मत होना आप चिली में देखते हो ब्रिंजल की सब्जी लेकर आते हो आप उसको चाकू से उसका पोर्शन हटाते हो कैलेक्स वहां परसिस्टेंट रहता है ये गैमो से प्लस है पांच पेटल्स हैं और अगर आप देखोगे तो सिंपल वेलवेट एस्टाइवेशन है वेलवेट एस्टाइवेशन है यहाँ पर उसके बाद कोरोला कोरोला में पांच पेटल्स हैं पांच पेटल्स हैं सभी जुड़े हैं कि अलग अलग हैं जुड़े, जुड़े, जुड़े के लिए क्या टर्म यूज होता है गैमो पेटल तो पांच पेटल्स जुड़े हैं इसे कहेंगे गैमो पेटल ये okay. वेलवेट एस्टाइवेशन okay. है okay. सिंपल वेलवेट अब फ्लार को अगर हम कट करके देखेंगे तो ये कैसा है एक्टिनोजाइगो कैसा एक्टिन। है अभी इसको आप कट करोगे तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री आ जाएगी किसी भी प्लेन से कट करोगे इक्वल हाफ्स में आएगा यहाँ पर एक्टिनोमोफिक सिमेट्री है एक्टिनोमोफिक्ला फ्लावर है ये तो इस तरह से अब आप एंथर्स को देखोगे एक पेन या पेंसिल है कुछ यहाँ पर आप देखो एंथर्स देखो काउंट करो कितने यहाँ पर फाइव एंथर्स मिलेंगे जी यहाँ पर फाइव एंथर्स हैं और एंथर्स ये पेटल से जुड़े हुए हैं ये एपी कंडीशन है ये एपी कंडीशन है और गाइनोशियम देखने के लिए आपको इस फ्लावर की ओवरी को सारे पेटल्स और सबको हटा के ओवरी को ध्यान से देखना पड़ेगा ओवरी का सेक्शन कट करोगे ठीक है तो ये है हमारा प्लांट एक ब्रिंजल का आपने चिली या टोमेटो कोई देखा होगा जब एक बार आप फ्लावर को देख लेते हो तो आप फैमिली को नहीं भूलते हो आपको आराम से वो याद रहती है Thank you. Thank you. तो अब यहाँ पर हम ब्रिंजल फ्लावर का डाइसेक्शन करते हैं जिसमें कि आउटर मोस्ट वर्ल्ड कैलेक्स की है ये ग्रीन कलर के सेपल्स हैं जो सारे पांच जॉइंट हैं ये फाइव सेपल्स को हमने रिमूव कर लिया ये गेमो सेपल्स कंडीशन है अब पेटल्स को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर भी फाइव पेटल्स हैं ये आपस में जॉइंट हैं गैमो पेटल्स कंडीशन है इसके अंदर स्टेमन्स आप देख सकते हो पेटल्स के साथ जुड़े हुए फाइव स्टेमन्स हैं इजीली काउंट कर सकते हो आप इनको अब हम पेटल्स को और स्टेम्स को रिमूव करके यहाँ पर लगा लेते हैं पेटल्स हमारे फाइव हैं वो भी हमने निकाल लिए लगा लिए केलेक्स के सेपल्स भी फाइव हैं और स्टेमंस और इसकी पिस्टल को भी हम डिस्प्ले पेपर पे लगा लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइव कैलेक्स हैं ये फाइव कैलेक्स हैं सारी जॉइंट है गैमो सेपलस कंडीशन है ये, ये पांच पेटल्स सारे यूनाइटेड हैं ये गैमो पेटल्स कंडीशन है यहाँ पर स्टेमंस अलग अलग फाइव आपको दिखाई दे रहे हैं ये फाइव स्टेमंस पेटल्स के साथ जुड़े थे एपी कंडीशन है गाइनोशियम यहाँ पर आप देख सकते हो पिस्टल में ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अब अगर मैं ओवरी का सेक्शन कट करके आपको दिखाऊं ये बहुत छोटा है बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है टोमेटो तो भी सेम फैमिली में आता है इसको कट करके देखते हैं तो हमें ओव्यूल्स के बारे में नजर आएगा ये देखो यहाँ पर ये दो लॉक्यूल्स हैं ये और ये दो लॉक्यूल्स हैं ये दो का बाइक ओवरी है सिन कार्पस है सुपीरियर ओवरी है और लॉक्यूल्स दो दिखाई दे रहे हैं ये बायुलर है स्वेलन प्लेसेंटा है बीच में और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स जितने भी सीड्स हैं ये यहाँ पर इस फ्लार कंडीशन में ओव्यूल्स थे तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका गायनोशियम कैसा है चलो कारजमीत आओ इसका फ्लोरल फार्मूला लिखवा के सेपल्स हैं फाइव फ्यूज पेटल्स भी हैं फाइव फ्यूज इसके लिए ब्रैकेट लगेगा yeah. सेपल्स फाइव फ्यूज हैं पेटल्स भी फाइव हैं फ्यूज हैं वेरी गुड एंड्रोशियम फाइव ये फ्री हैं गाइनोशियम टू है वेरी गुड ये एपीपेटल कंडीशन है वेरी गुड